देख रहे हैं फुल एंड फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर दिल्ली से है, एक बड़ी और अहम खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर पर एक बड़ा बयान आया है। सबरीमाला के मामले पर फैसले, जब फैसला दिया जा सकता है तो राम मंदिर पर भी फैसला दें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। राम मंदिर पर भी सबरीमाला जैसा फैसला होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यानी योगी आदित्यनाथ ने ये समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट, आप देखो, आप समझो, जैसे आपने सबरीमाला का केस को निपटाया है वैसे ही आप राम मंदिर का केस भी निपटाइए। आस्था से जुड़ा है राम मंदिर का मामला। इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हैं, बड़ी खबर है। यहाँ पर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबरीमाला के मामले में जब फैसला दे सकते हैं। कम से कम आज के दिन पर तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और हम इस बारे में भी जरूर हमारा भी कहना होगा, और मैं खास तौर पर मैं भी न्यायालय से इस बारे में अपील करूंगा कि अगर सबरीमाला के बारे में फैसला दे सकते हैं तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में फैसला आना चाहिए। लेकिन कार्यपालिका के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोई भेदभाव किसी के साथ आज के दिन पर नहीं है, और हम लोगों ने जिस संविधान की शपथ ली है उस संविधान के अंतर्गत हम लोग जाति, मत या मजहब के आधार पर, क्षेत्र, भाषा या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ये कैसे हो सकता है कि आप न्यायपालिका का भी सम्मान करने की बात भी कहें और न्यायपालिका को ये बताएं कि सबरीमाला के मामले जैसा फैसला राम मंदिर पर भी दें, ये दोनों बात कैसे सही हो सकती है? देखिए राहुल, राम मंदिर का जो मामला है वो करीब 27-28 साल पुराना हो चुका है। तो योगी चूंकि हिंदुत्व की पहचान रहे हैं, योगी का भाषण हमेशा हिंदुत्व पे रहा है, वो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनकी डिमांड हमेशा राम मंदिर को लेकर रही, हिंदू वाहिनी भी उन्होंने बनाई, तो वो हिंदुत्व के बड़ा चेहरा है। और उनका जो आज बयान है कि सबरीमाला पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, राम मंदिर पर क्यों नहीं दे सकता, तो ये बहुत बड़ा बयान है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान है, और ये दर्शाता है कि बीजेपी प्योर हिंदुत्व के रास्ते पर कार्ड खेल रही है, और वो लोकसभा चुनाव में इसको और हथियार बनाएगी, इसकी धार और तेज करेगी। और दिल्ली से जब योगी आदित्यनाथ ने बोला है तो पूरे देश भर में ये बात जाएगी। और निश्चित ही देखिए, कोर्ट पर दबाव बनाने की बात नहीं, लेकिन आम जनमानस में भी ये बात चर्चा में है कि आखिर कोर्ट इस पर फैसला दे दे जो देना हो, क्योंकि सरकार के हाथ में और जनता के हाथ में अभी कुछ है नहीं, तब मामला कोर्ट में लंबित है और ये 27-28 साल पुराना मामला हो गया है, तो इससे सरकार को चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि दो टूक फैसला कोई आना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस पे दो टूक फैसला आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश